हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज क्रिसमस डिसीज इज अनदर नेम फॉर। सो क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो डिसीजेस दी हुई है ए बी सी एंड डी, इनमें से कौन सी डिसीज को क्रिसमस डिसीज भी कहते हैं। फर्स्ट हीमोफीलिया बी, सेकंड हेपेटाइटिस बी, थर्ड डाउन सिंड्रोम, फोर्थ स्लीपिंग सिकनेस। सो द की कंसेप्ट इज क्रिसमस डिसीज। तो ऑप्शन फर्स्ट है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी को ही क्रिसमस डिसीज कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। यहां पर जो ब्लड है वो सही तरीके से क्लॉट नहीं कर पाता, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से अगर इंजरी होगी तो बहुत टाइम तक ब्लीडिंग होती रहती है। और ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है 9, उसकी डेफिशिएंसी, जब उसकी कमी हो जाती है तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी और ब्लीडिंग होती रहेगी, और इसको कहते हैं हीमोफीलिया या क्रिसमस डिसीज। इसको क्रिसमस डिसीज इसलिए कहते हैं क्योंकि हीमोफीलिया जिस फर्स्ट इंसान को हुआ था, पहले इंसान में देखा गया था, उसको ये नाम दिया था क्रिसमस डिसीज, क्योंकि उस आदमी का नाम क्या था, स्टेफन क्रिसमस, जिसमें सबसे पहली बार हीमोफीलिया देखी गई थी और डायग्नोज किया गया था उसको, तो इसलिए सबसे पहला, तो इसलिए इसको क्रिसमस डिसीज कहते हैं। ऑप्शन सेकंड है हेपेटाइटिस बी, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है ये, जो किसको इन्फेक्ट करता है, लिवर को, इसमें लिवर डैमेज भी हो सकता है, बट ये क्रिसमस डिसीज नहीं कहलाता। सो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन थर्ड है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि किसकी वजह से होता है, एक्स्ट्रा कॉपी जब हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इसमें डेवलपमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिलेज हो जाते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, बट ये भी क्रिसमस डिसीज से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ऑप्शन फोर्थ है स्लीपिंग सिकनेस। इसको अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस कहते हैं, जो कि सेट सी फ्लाई से होती है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट डालती है, बट इसको क्रिसमस डिसीज नहीं कहते। सो द फाइनल आंसर इज ए हीमोफीलिया बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।